हेलो दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं बहुत अच्छा सा बच्चों का लंच। तो ये मिला दिया हमने धनिया पाउडर और आज हम बना रहे हैं पनीर का बहुत ही टेस्टी सा पराठा। तो ये पनीर ले लिया हमने और इसके साथ में हम मिला देंगे इसमें खूब सारी प्याज, बिल्कुल बारीक कटी हुई है, और ये मिला देंगे हम लाल मिर्ची, और इसके साथ ही मिला देंगे हम ये जीरा। तो ये सब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं पहले हम, और फिर उसके बाद में मिलाएंगे इसमें नमक और चुटकी भर मिला लेंगे गरम मसाला। इसमें मिला लेंगे हरा धनिया और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसमें डालेंगे हम नमक, ये मिला दिया हमने नमक, और ऐसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और जितना अच्छा ये मिक्स तैयार होगा उतना ही अच्छा हमारा पराठा भी बनेगा। और इसे आप ब्रेकफास्ट में बनाए, लंच में बनाए, डिनर बनाए, जैसे आपका मन करे वैसे आप बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल प्लेन ले लिया हमने आटा, और जो हम चपाती के लिए लेते हैं, और इसे अच्छी तरीके से हम आटे में डस्ट करेंगे। ये देखिए, एक्स्ट्रा आटा हमें नहीं चाहिए, हम जितना इस पे जरूरत है उतना ही लेंगे बस। और एक अच्छी सी चपाती बना लेते हैं पहले। देखिए, एक चपाती बना ली है, अब इसमें हम लेयर कर देंगे ये मिक्स की पनीर और प्याज की, और अब इसमें लगा देंगे एक कट, और इस कट को लगाने के बाद में अब इसे हम कर देंगे फोल्ड, और ये हमारा बनेगा ट्रायंगल वाला पराठा। इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद में इसे अब हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा ट्रायंगल शेप में आ गया है। अब इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा हल्के से हाथ से दबाएंगे, और दबाने के बाद में इसे हम बेलेंगे सूखा आटा डस्ट करने के बाद में। एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए, जितनी जरूरत होगी हमें सिर्फ उतने की ही चाहिए। तो ये देखिए, बहुत अच्छा ये हमारा पराठा बनके होगा तैयार। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये पराठा बनेगा। तो इसे अब बिल्कुल हल्के हाथ से हमें बेलना है। ये देखिए, फटेगा नहीं है बिल्कुल भी, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे बच्चों को ब्रेकफास्ट में दीजिए, लंच में दीजिए, जैसे आपका मन करे वैसे करिए। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसे हम बेल लेंगे, और बेलने के बाद में इसको सेकते हैं। ये देखिए, ये हमारा ट्रायंगल वाला पराठा बेल चुका है, अब इसे हमें सेकना है। तो तवा हमने गर्म कर लिया है। ये देखिए, ये हमने तवा गर्म कर रखा था, उस पर हमने ये डाल दिया है, और ये अब हम एक तरफ से सेकेंगे अच्छी तरीके से, फिर हम इसे पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से सिक जाए। ये देखिए, हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, तो ये अच्छी तरीके से सिक चुका है, अब इसे हम टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा एक तरफ से सिका है पराठा, इसे अब हम दूसरी तरफ से भी सिकने देते हैं। फिर इस पे ऑयल या घी जो भी आपका मन करे वो लगा सकते हैं। ये देखिए, ये दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छी इस पे कलर आया है, और अब इसे हम ब्रश कर देंगे। तो मैं इसमें जो हम यूज करते हैं कुकिंग ऑयल, वो ब्रश कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इस पे घी या बटर लगा सकते हैं, और बच्चों के लिए तो बढ़िया है ही। और एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी मेहनत, थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए, अब इसे हम अच्छे तरीके से नभाते हुए सेक लेंगे, और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और ये देखिए बिल्कुल भी फटा नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से ये सिक रहा है। तो चलिए इसे सेक लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा पराठा हमारा दोनों तरफ से सिक चुका है, और इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है, जो कि हम चाहते भी नहीं थे, क्योंकि हम बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए रेडी कर रहे हैं। तो इसे अब निकाल लेते हैं, और ये देखिए, ये हमने दूसरा भी इसी तरीके से पराठा सेक लिया है ट्रायंगल वाला, और ये भी बिल्कुल भी फटा नहीं है। ये देखिए, इसे बीच में कर देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से सिक जाए, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें हम लगा देते हैं ऑयल अच्छी तरीके से,
और इसको भी अब हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी लगाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया बन रहा है हमारा। ये देखिए दूसरी तरफ से भी ऑयल लगा देंगे अच्छी तरीके से, और बहुत ही टेस्टी सा ये पराठे बनके तैयार हो जाएंगे, चाहे आप इसे सफर में ले जाएं चाहे घर में ही खाने के लिए बनाएं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छी तरीके से सीख गए हैं। चलिए करते हैं बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी। ये देखिए ये दोनों हो गए हैं पराठे तैयार, अब इन्हें हम असेंबल करेंगे। तो चलिए ये बीच में से अब हम इन्हें कट कर देते हैं ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से खाने के लिए इजी रहे, और इन्हें हम अच्छी तरीके से पैक कर देंगे। ये देखिए ये हमने लंच बॉक्स के अंदर लगा दिया है टिश्यू पेपर, और अब हम ये जो हमने पराठों की कटिंग करी है अब इसे हम इस तरीके से रोल करके रखते जाएंगे ताकि बच्चों को इजी हो खाने के लिए और वो इजीली खा पाए। ये देखिए, और इसके साथ में देंगे हम सॉस, क्योंकि बच्चे यूजली सॉस खाना पसंद करते हैं पराठे वगैरह के साथ में। ये देखिए अच्छी तरीके से हमने पैक कर दिए हैं, इसके साथ रख देंगे एक सॉस का पैकेट, और फ्रूट में रख देंगे हम संतरा, और ये अच्छी तरीके से अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो आई होप आपको आज का हमारा बच्चों का लंच बॉक्स का आइडिया पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो ये रेडी है बच्चों का लंच बॉक्स।